हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए ये सुबह का टाइम है, आज है दिन शुक्रवार और मैं सुबह सुबह उठ करके साफ़ सफाई में लगी हूँ। अभी लगभग बजे होंगे 5:30 बज गए होंगे, क्योंकि आजकल 5:30 बजे तो उजाला हो ही जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर लिपाई कर दे रही हूँ। यहाँ पर चूल्हा था गैस वाला, वो चूल्हा मैं बाहर निकाल दी हूँ। उसके बाद देखिए दीवार को भी थोड़ा सा लिपाई कर देती हूँ मिट्टी से। यहाँ पर गोबर नहीं मिलाई है, क्योंकि मिट्टी से केवल मैं लिपाई करके देखी थी ना, तो बहुत अच्छी यहाँ पर लाइट दिखाई दे रहा था, मतलब अंधेरा सा नहीं लग रहा था। इसलिए हम सेल्फ को खाली, मिट्टी का सेल्फ है ना, उसको हम बस मिट्टी से ही लिपाई करते हैं और उसके बाद अच्छा लगता है देखने में। जब लाइट भी नहीं रहता है तो सोलर से एक लाइट लगाए हैं, तो उससे भी हमारे लिए थोड़ा सा देखने के लिए मिल जाता है। तो फिर हम वहाँ पर मिट्टी से ही लिपाई की है। उसके बाद लाइट कट गया था तो फिर मैं नहीं दिखाई आप लोगों को, पूरे घर की लिपाई कर रही थी मैं। तो यहाँ पर मैं गोबर से लिपाई कर रही हूँ, घर को भी, घर आंगन सभी को लिपाई करूँगी आज मैं, क्योंकि आजकल ना जल्दी से लिपाई पोताई की काम हो नहीं पाता है। आजकल मैं भी थोड़ा बिजी में हूँ, ग्रंथ पहुंच रहे हैं तो उसके कारण बहुत से लोग दिए हैं सिलने के लिए, तो होटल के काम भी देखने पड़ते हैं, फिर सिलाई के काम भी देखने पड़ते हैं, तो इसके वजह से मेरा काम जल्दी निपटता नहीं है। तो मैं यहाँ पर अभी सुबह सुबह उठी, उसके बाद पूरे घर आंगन की लिपाई छपाई करके ही मैं खाना पीना बनाती हूँ। अभी खाना उना कुछ नहीं बना था, बस लिपाई ही हो रही है। तो सुबह में सबसे पहले तो साफ़ सफाई करो, उसके बाद ही खाना पीना बनाओ तो बहुत अच्छा होता है और लगता भी है अच्छा। और साफ़ सफाई पूरे करके नहाने धोने से फिर शरीर भी अच्छा लगता है, घर दरवाज़ा भी सभी अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं लिपाई पोताई की काम कर रही हूँ, यहाँ पर भी मैं लिपाई कर दूँगी। आंगन भी थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, यहाँ पर बैठते हैं बच्चे भी, बैठते हैं हम भी, बैठते हैं खाना उना खाते हैं। आजकल गर्मी का दिन है तो रात में भी हम यहीं पर कुछ देरी के लिए बैठ जाते हैं। और उसके बाद लाइट तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्या करें, लाइट के बारे में तो कुछ पूछिए मत। तो यहाँ पर बैठ जाते हैं रात में भी, तो लीपना छपना तो है ही, पूरे घर आंगन की साफ़ सफाई तो करनी ही होती है। तो देखिए मशीन के पास भी थोड़ा साफ़ सफाई मैं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिलाई करते हैं तो कपड़ा उपड़ा गिरता है, तो धूल मिट्टी उड़ेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर लिपाई छपाई करती रहती हूँ। उसके बाद देखिए मैं नहा धो ली हूँ और आ गई हूँ यहाँ पर सब्जी खाना बनाने के लिए। तो मैं चढ़ा दी थी दाल, दाल पक गए हैं, अभी मैं इसको छौंका मारूँगी। उसके बाद मैं भुजिया बनाऊँगी, आलू की, सिर्फ आलू की भुजिया बनाएंगे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ये चना दाल कैसा पका है, तो चना दाल था ये, थोड़ा लेट लगता है, इसको हम रात में भिगाए भी नहीं, फिर ये अच्छे से पके भी नहीं थे। फिर मैं इसको छौंका मार रही थी, एक डेक्ची में कर लेते हैं इसको। और चना का दाल थोड़ा लेट लगता है पकने में, रात में अगर भिगा करके छोड़ देने से सुबह में पकाने से अच्छा होता है, लेकिन मैं नहीं फुलाई थी, अचानक से इसको हम पकाई थी इसलिए थोड़ा नहीं पका था, लेकिन वैसे ही हम सभी को खिला दिए। और यहाँ पर हम भुजिया चढ़ाएंगे, पहले हम इसको छौंका मारेंगे। दोनों को एक साथ ही काम करते जा रहे थे, जल्दी जल्दी करने में लगे थे, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गया था, आज लिपाई पोताई करते करते टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर बच्चे भी खाना के लिए बोल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए मैं छौंका डालने के लिए मैं डाल रही हूँ, सिंपल सी छौंका डाल रही हूँ, मिर्चा और जीरा डाल करके, और उसके बाद में भुजिया चढ़ाई हूँ। तो यहाँ पर हम फोरन दिए थे मिर्चा, लाल मिर्च की और प्याज को, उसको भूंजने के बाद मैं यहाँ पर आलू डाल रही हूँ थोड़ा सा। तो देखिए थोड़ा भुजिया ना थोड़ा कम ही रहता है, तो फिर भूजने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी, तो दाल के साथ में भुजिया हमारे घर में बहुत पसंद करते हैं। तो देखिए हम जैसे चढ़ाए थे वैसे लाइट कट गया था, फिर मैं गैस चूल्हे में चढ़ाई थी, ये पक गया है, अभी हम दाल खाना सबके लिए देंगे। और ये देखिए ये सुबह, ये दूसरे दिन का सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह आज कटहल और केला हमारा देखिए पक गया है। केला को तो खैर पहले से काट करके रखे हुए थे, तो ये अच्छे से पक गए हैं, तो ये काट रहे हैं सभी को खाने के लिए। आज सुबह सुबह के टाइम में नाश्ता हो जाएगा केला का ही।
तो किसी किसी को बांटेंगे भी, आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं ना, तो उन्हें भी हम दे देते हैं, क्योंकि वो लोग भी कुछ कुछ होता है उनके खेती बारी में जो भी होता है तो दे देते हैं, तो फिर हम भी देते हैं। तो और पीछे तरफ पे लोग सफाई करने के लिए गए हुए थे, कचरा सब बहुत ज़्यादा है तो उसको समेट लेते हैं, उसके बाद जला देते हैं। तो वहीं पर गए हुए थे तो वहाँ पर देखे तो एक गिरा पड़ा हुआ था, तो गिरा हुआ था उसको तो छोड़ दिया, लेकिन पेड़ पर देखे तो वहाँ पर भी पका हुआ था। तो ये लेकर के आए हुए हैं, अभी सभी जिसको जिसको खाना है वो खा लेंगे, ज़्यादा तो नहीं खाते हैं लेकिन लालची होता है ना, तो शुरू शुरू तो खा ही लेते हैं सभी को, तो हम भी खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फाड़ रहे हैं और सभी को अभी खाएंगे, छोटे बच्चे बहुत सारे खेलने के लिए भी आते हैं, उनको भी देते हैं। तो ये पहले यहाँ पर जो गद्दा होता है उसको निकाल रहे हैं, नहीं तो हाथ पर लग जाएगा इसलिए। तो पास में इनके दोस्त भी आए थे तो उन्हें भी खिलाए थे। तो यहाँ पर देखिए एक प्लेट, दो प्लेट लेकर के आई है रोशनी, उसमें बोल रही थी कि यहाँ पर दो हम लोगों को, हम लोग खाएंगे। तो बच्चे पार्टी बहुत ज़्यादा होते हैं ना ये लोग, तो वो लोग को अलग से दे दिए थे निकाल करके और खा रहे थे। और पहले के ज़माने में ना, जब नानी दादी लोग होते थे उस टाइम में बोल रहे थे कि एक पीस के लिए एक टाइम का काम करना पड़ता था दूसरों का खेती बाड़ी में, तो तब जा कर के मिलता था खाने के लिए, पहले खाने के लिए भी नहीं होता था। तो पहले के ज़माने में किसी का घर में, मतलब ज़्यादा लोगों के घर में नहीं होता था शायद, दादी नानी लोग बताते थे हम लोगों को, तो वो लोग जाते थे बनिहार के रूप में, मतलब दिहाड़ी कोई कोई बोलते हैं, तो वही करने के लिए जाते थे, पैसे के बदले में मतलब काम करते थे, तो पैसा नहीं दे करके लोग कटहल देते थे, उसी को ला करके बच्चों को खिलाया करते थे और अच्छे से मतलब पालन पोषण कर रहे थे उसी टाइप से, कुछ कुछ काम धंधा करके और इसी तरह से मतलब कुछ के, मतलब काम के बदले में कुछ चावल खाने के चीज़ को कुछ कुछ देते थे, उसी को ला करके बच्चों को खिलाते थे। तो पहले का ज़माना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता था बच्चों को पालन पोषण करने में, तो कटहल के पर कटहल से भी बहुत कोई खट के खिलाए हैं बच्चों को। आजकल तो किसी का गला से उतरता नहीं है, किसी किसी के गला से कोई कोई खाना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन पहले खाना नहीं मिलता था तो फिर उसी को खा करके सो जाते थे। थोड़ा बहुत खाना भी रहता था तो रात में मार पी के सोते थे और दिन में खाना खाते थे, ऐसे कर कर के बच्चे को पालन पोषण करके बढ़ाए। फिर अभी के ज़माना में तो अब खाना भी फेंका रहा है और कटहल भी फेंकाता है और सब कुछ अलाय बलाय हो रहा है अभी के टाइम में, और आगे का टाइम में क्या होता है वो तो आगे ही पता चलेगा। पीछे का टाइम में तो बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा है, जो हमारे दादी नानी लोग हैं ना, माँ बाप लोग हैं ये लोग को। पहले मेरी माँ बता रही थी कि कोयनार का साग होता है उसका रोटी बना करके खाए हैं बोलती है मेरी माँ, और क्या क्या साग पात को वो लोग पका करके खाते थे और रहते थे, चावल नहीं होता था पहले ज़्यादा, और क्या बोलते हैं क्या क्या चावल वल रहता है ना वो सब खा रहे थे छोटा छोटा वाला, मेरी माँ बताती है बहुत ज़्यादा, मतलब बताती है वो लोग जैसे जैसे की करके बड़े हुए हैं वैसे वो लोग बता रहे थे मम्मी लोग। याद बहुत चीज़ है लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ कभी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर के टाइम है, अभी दोपहर में हम लोग खाना उना खा लिए, होटल भी निकल गए बाहर, उसके बाद मैं बैठी हूँ देखिए आई हूँ डालने के लिए, इसमें हम तुरपाई करेंगे। अभी बहुत सारे कपड़े भी हैं तुरपाई करने के लिए, ब्लाउज ही मतलब सभी को हमको अभी आई हूँ डालनी है, मैं सील करके रखी थी, उसके बाद सभी में आई हूँ डालना है, डोरी डालनी है। तो अभी रोहन भी सो रहा है, रोशनी रोहनी सभी को अभी खेल रहे थे, इन लोग को बोलते हैं हम कि शाम मतलब दोपहर में सोया करो थोड़ा देरी के लिए सो जाओ, लेकिन ये लोग सोते नहीं हैं। और रात में ना जैसे रात होता है वैसे रोहिणी सो जाती है, खाना भी नहीं खाती है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि सो जा, लेकिन वो मानती नहीं है और घूमती रहती है। और तो एक प्यारे से फ्रेंड्स है, वो बोल रहे थे कि मेरा नाम ले लीजिए वीडियो में, तो मैं उनके नाम लेती हूँ। नीतू सिंह जी मुझे रिक्वेस्ट किए हैं कि दीदी आप एक बार मेरा नाम ले लीजिए। ऐसे बहुत से फ्रेंड्स होते हैं जो पसंद करते हैं हमारा वीडियो को और हमारे रूटीन को, और वो हमसे नाम लेवाना चाहते हैं। और भी एक फ्रेंड्स बोले थे, उसका नाम मैं भूल गई इसलिए नहीं ले रही हूँ। बहुत पहले और भी कमेंट आया था, उसने बोले थे कि मेरे
मतलब मेरे नाम ले लीजिए, फिर मैं ना भूल गई। उसके बाद फिर से एक फ्रेंड्स फिर से बोले नीतू सिंह जी कि मेरा नाम ले लीजिए वीडियो में, तब याद आया। तो मैं कमेंट में देख रही थी तो उनका नाम मैं बहुत नीचे गई फिर भी नहीं मिल पाया मुझे, और उसके बाद मैं उनके नाम नहीं ली, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और नीतू सिंह जी आप इसी तरह से प्यार देते रहिए, हमें सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, और इसी तरह से जुड़े रहिएगा, इस तरह से प्यार जताते रहिए हमारे ऊपर। और आप लोगों को भगवान सुखी रखे, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। और कैसा लगता हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं कोट को ले ली हूँ देखिए दुकाने के लिए। अभी पंखा भी चल रही है लेकिन भी नीचे साइड में गर्मी लग रही है। वो थोड़ा छोटा सा पंखा है ना तो फिर ज़्यादा हवा नहीं दे पाता है, तो फिर हम भूख लेते हैं। पर रोहन सो रहा है तो इसको हम भूख दे रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी फ्रेंड्स बहुत अच्छे अच्छे बात लिखते हैं ना, बहुत खुशी मिलती है और भी वीडियो बनाने का मन करता है। इसलिए आप लोग कैसे भी मतलब जैसे भी वीडियो में कमेंट करिए, लेकिन करिए, अच्छा लगता है पढ़ करके। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। और नीतू सिंह जी ज़रूर से ज़रूर आइएगा हमारा वीडियो में और पूरा देखिए और बताइएगा। तो अच्छा लगा आपका नाम को भी लेकर के। आप लोग इसी तरह से हमको सपोर्ट करिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारा घर की स्थिति तो आप लोग देख ही रहे हैं, मैं ज़्यादा ऐसे शेयर भी नहीं करती हूँ अपने घर के बारे में, लेकिन आप लोग को देख करके तो पता चल ही जा रहा होगा कि कैसे ये देहात के लोग रहते हैं, मतलब क्या हाल होगा। मैं इशारा कोई कोई जानते हैं कि इशारा काफ़ी होता है लोगों को समझने के लिए, तो वैसे ही कोई कोई घर पर ऐसा सपोर्ट थोड़ा सा नहीं रहते हैं तो कोई अपना सुख दुख को बोल भी नहीं सकता है। तो वही टाइप का हमारे घर पर भी है कि हम कुछ बोल नहीं सकते, बस इशारा ही काफ़ी है समझने के लिए, सभी मतलब समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो आप लोग सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए, कभी ना कभी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी शुरुआत है। तो फिर ज़्यादा भी बोल देने से दिक्कत ही है, लोग भी बोलेंगे कि देखो दो चार भी जाता है कि नहीं, सारे उगल रहे हैं ऐसे बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलते हैं ज़्यादा कुछ। जो हम रोज़ काम करते हैं, जो हम खाते पीते हैं वही दिखाते हैं, और आप लोगों को भी पसंद आता है तो मैं वीडियो रोज़ अपलोड करती हूँ। और एक दो दिन मेरा वीडियो नहीं आया, यही क्या क्या काम करते, मेरा सिलाई की काम है ना, वो करते करते थोड़ा लेट हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे कल अगले वीडियो में। और मेरा देखिए तेल तेल सा लग रहा है, मैं नहाई हूँ उसके बाद, सिर्फ बाल में तेल डाली हूँ और चेहरे पर कुछ नहीं डाली थी, फिर भी देखिए इतना तेल सा लग रहा है। मैं ना चेहरे पर कुछ नहीं डालती हूँ, कभी ऐसा होता है तो कोई भी तेल मैं डाल लेती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल में मैं कुछ नहीं डाली हूँ। नहा धो करके मेरे ओठ भी सूखे सूखे से लग रहे हैं, मैं कुछ नहीं डाली हूँ। कभी कभी तो मैं ब्रो प्लस भी लगा लेती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल में कुछ नहीं डाली हूँ। लेकिन पसीना से कि क्या पता कैसे, और पसीना तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, देखिए पानी जैसा निकलता है पूरे शरीर से, बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। तो चलिए कोई बात नहीं, ये गर्मी तो सभी के तरफ होंगे, आजकल बारिश होना चाहिए लेकिन क्या पता मौसम भी कैसा चेंज होता जा रहा है, बारिश ही नहीं होता है। पहले ज़माने में अभी तक बीड़ा झीड़ा हो जाता रोपा रोपने के लिए, खेती बाड़ी करने लगते लोग, लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि पूरा सूखा पड़ जाता है। कोई बात नहीं, ये तो ऊपर वाला ही जानेंगे क्या बात है आगे की। तो चलिए कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।